नमस्कार दोस्तों, टेक विद सुभाष के एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जो वेसिंग वेबसाइट एडिट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं आपको पूरी तरीके से सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद की एक वेसिंग वेबसाइट एडिट कर सकते हो। कहीं से भी आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर गाइज, अगर आपको HTML कोडिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तभी इस वीडियो पे आए होगे, अगर आती होती हो तो आप इस वीडियो को देखते ही नहीं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अगर आपको HTML कोडिंग नहीं आती है उसके बावजूद भी आप मनचाहा एडिटिंग कर सकते हो विशिंग वेबसाइट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एम रखते हैं, वो रखते हैं गाइज 50 लाइक का। आई होप कि आप जो जल्दी पूरा कर दोगे। पिछला जो वीडियो हमने बनाया था उसमें भी एम रखा था 50 लाइक्स का, और आपने जो है 100+ लाइक उसमें कर दिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक विशिंग स्क्रिप्ट, क्योंकि हमें HTML कोडिंग तो आती नहीं है, हम अलग से तो विशिंग अपनी बना नहीं सकते, तो हमें उसमें ही एडिट करनी होगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइज, एक जो लिंक है विशिंग स्क्रिप्ट की, ये जो गणेश चतुर्थी की विशिंग स्क्रिप्ट है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है उस पर। और उस पर क्लिक करने के बाद ये जो थोड़ी बहुत लोडिंग लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हो ये डाउनलोडिंग होगा, तो लोडिंग लेने देते हैं। और यहाँ पर जो हो हमें 5 सेकेंड वेट करना है, तो यहाँ पर ये डाउनलोड वगैरह आए तो आपको डाउनलोड नहीं करना है, कट कर देना है। उसके बाद 5 सेकेंड वेट कर लीजिए, और उसके बाद ये स्किप ऐड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो स्किप ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किप ऐड पे क्लिक करते हो तो आपको इसमें जो है वो एक जीमेल आईडी सिलेक्ट करनी होती है, तो आप अपनी जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये ड्राइव में ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ड्राइव की लिंक दे रखी है। कुछ इस तरीके से ओपन होगा, तो आपको ऊपर देख लीजिए 3 डॉट्स लिखे आ रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, अगर आप डाउनलोड करना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्ट ओपन विथ पर क्लिक कर देना। आपको मैं ओपन विथ पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें जो है ये पूछ रहा है कि किस में आप ओपन करना चाहते हो। आप यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो अगर आप जो मोबाइल से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हमें जो ES नोट एडिटर मिलता है, ये ES नोट एडिटर एक अलग से ऐप नहीं है, इसके लिए आपको ES फाइल एक्सप्लोरर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइल मैनेजर है उसे डाउनलोड करना होगा, और उसी के साथ ये आ जाएगा। इस ES नोट एडिटर में आपको इसे ओपन कर लेना, और इसकी डाउनलोडिंग लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ES नोट एडिटर में जो इसे ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद हमारे सामने क्या कुछ होता है चलिए हम देख लेते हैं। मैं इसे यहाँ पर ES नोट एडिटर में ही ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद ये जगली कोडिंग वगैरह हमारे सामने आ गई है। अब हम इसमें एडिट करेंगे। एडिट करने के लिए सिंपली हमें ये ऊपर एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे, और अब इसमें हम मनचाहा एडिट कर सकते हैं। विशिंग वेबसाइट में एडिट करने के लिए हमें जो हो किसी प्रकार की कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे करोगे, जैसे लिखी हुई शायरियाँ वगैरह होते हैं उसे एडिट कैसे करोगे। तो यहाँ पर गाइज जो शायरियाँ वगैरह होती है वो वैसे कोडिंग में होती है, लेकिन इस ES नोट एडिटर में हमें जो कोडिंग के रूप में जो कोडिंग होती है वो अलग दिखाई देती है, और जो टेक्स्ट होते हैं वो अलग दिखाई देती है। यहाँ पर देख सकती हो कि ये लिखा हुआ है गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर इसको डिलीट करके हम जो कुछ भी लिखेंगे ना वो यहाँ पर शो होगा, देख लीजिए पूरा का पूरा डिलीट करिए आप, ये डिलीट कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो कुछ भी लिखेंगे ना वो एडिट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी लिखता हूँ सुभाष शर्मा, मैं इतना ही लिख देता हूँ, आगे जो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आप एडिट करना चाहते हो वो करिए, और नीचे आइए, और जो भी शायरी में आप चेंज करना चाहते हो ना, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखाता हूँ, थोड़ा सा नीचे आके वहाँ पर तो वो चेंज कर दिया, और यहाँ पर देख लीजिए 11 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, इसको हम जो पूरा डिलीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो अपनी लाइन रखनी है, जो कुछ भी रख देते हैं यहाँ से 1 लाइक तो बनता है, देख लीजिए हमने उसको डिलीट करके ये रख दिया, और ये कोई भी एरर शो नहीं होगा इसे करने से। उसके बाद नीचे वाला भी हम एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको रखना हो ना, यहाँ पर दूसरी शायरी आप दूसरी लाइन लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि एक लाइन में आपकी एक ही लाइन हो, जहाँ एक लाइन डिलीट कर रहे हो एक ही लाइन वहाँ रखनी है, दो लाइनें रखोगे तो सही से वर्क नहीं करेगा। 1 लाइक तो बनता है, और यहाँ पर जो मैं लिख लेता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके से आप जो लिख सकते हो, और नीचे आपको बहुत सारी शायरियाँ मिल जाएगी। जिसे भी आप डिलीट करना चाहते हो पहले उसे देख लीजिए। अब ये जो विशिंग पोएम हियर है, जो विश होती है उसमें जो 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 टाइटल होते हैं वो लगाए होते हैं,
विशिंग पोएम हियर, पग पग में फूल खिले, ये नीचे से लेकर यहाँ तक जो एक शायरी है। ये जो चार लाइनें हैं ना, पग पग में फूल खिले, हर खुशी आपको मिले, कभी ना हो दुखों का सामना, यही है मेरी गणेश चतुर्थी की शुभकामना। सो ये एक शायरी है। सो चार लाइनों की शायरी है, तो आपको चार लाइनों की शायरी जो चुननी होगी, और उसके बाद पहली वाली लाइन को जो यहाँ से डिलीट करेंगे हम, और यहाँ पर जो दूसरी हम लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो शायरी चेंज कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको जो ये देख लीजिए, ये रिस्पॉन्सिव एडिशंस रिस्पॉन्सिव इमेज एड हियर, सो ये हमारी जो विशिंग वेबसाइट में दिखाई नहीं देता है, सिर्फ कोडिंग में दिखाई देता है। ये कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ एडिशंस रिस्पॉन्सिव एड कोड हियर, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो चिन्ह वगैरह लगा हुआ है, ये यहाँ से इसको मतलब ये होती है कि ये हाइड होता है, हमारी विशिंग वेबसाइट में दिखाई नहीं देता है। यहाँ से लेकर पहले तो यहाँ से शुरू किया और आखिरी में लेकर यहाँ से शुरू किया, देख लीजिए ये जो चिन्ह वगैरह इस तरीके का लगाकर यहाँ से शुरू किया और जहाँ तक हमें जो हाइड करना है उसके आगे जो ये लगा दीजिए, यानी कि ये बीच में ये जो दोनों तरफ ये ऐसा चिन्ह होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमें जो ये दिखाना नहीं है, हाइड होता है। इस तरीके से आप किसी भी जो टेक्स्ट को हाइड कर सकते हो इस वगैरह लगा कर। सो अब आप समझ गए होंगे किस तरीके से हम जो इसमें जो शायरियाँ होती है, टेक्स्ट होते हैं, उसे एडिट करेंगे। ये तो एडिट करना आप सीख गए होंगे। उसके बाद विशिंग वेबसाइट में होता है काउंटडाउन टाइम सेटिंग, यानी कि टाइमिंग सेटिंग होती है ना कि 3 डे गो, जो 5 दिन ये काउंटडाउन चलता रहता है टाइमिंग का, वो कैसे एडिट करोगे। उसके लिए अलग से यहाँ से हमें जो हो इसे हाईलाइट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देख लीजिए। ये देख लीजिए, आपको अपनी विशिंग वेबसाइट में काउंटडाउन टाइम सेटिंग्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इसमें आपको आना है और नीचे यहाँ पर याद देख सकते न्यू डेट, इसके आगे लिखा हुआ है सितंबर 13, यानी कि आपकी विशिंग वेबसाइट किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, वो किस दिन है वो लगाना है। जैसे कि मैंने गणेश चतुर्थी की लगा रखी है, सो यहाँ पर दिखा रहा है सितंबर 13। तो यहाँ पर अगर आपको किसी दूसरे विशिंग वेबसाइट बनानी हो तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पर मैंने सितंबर लिखा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं है गाइस, सितंबर अक्टूबर जो भी हो ना वो यहाँ पर आप शो करवा सकते हो। सो सितंबर, आप सितंबर की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सितंबर इंग्लिश में लिखना होगा। ये ध्यान रखना है कि ये जो काउंटडाउन सेटिंग है वो इंग्लिश में लिखना होगा। 13 की जगह आप 14, 15, 16 कितनी भी रख सकते हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए 30 दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने 30 लिख दिया, सॉरी 30 नहीं लिखा गया, सो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, ये दे 30 लिखा गया। और अगर आपको जो है वो यहाँ से ये जो हमारा 2018 चल रहा है, यहाँ से अगर आप जो 2019 भी कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप यहाँ से कर सकते हो। ये रहा कि इसमें जो टाइमिंग सेटिंग कैसे करोगे। अब आखिरी जो हमारी बात आती है वो इसमें इमेज चेंज करना। इमेज के लिए आपको एक अलग से वीडियो देखना होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो में बताऊँगा तो क्या मतलब से रहेगा, है ना। तो आपको उस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि मैं बार बार बताऊँगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऊपर आई के बटन पर लिंक मिल जाएगी, तो आप उसे देख सकते हो। उसमें इमेज चेंज करना मैंने बताया, बेसिकली अलग से वीडियो बनाया था और मैंने सोचा कि यार पूरा का पूरा एडिट करना सिखा दूँ। अब आखिरी में जो है वो क्या आता है, सब कुछ यार सब कुछ तो हो गया, अब क्या आता है, कुछ नहीं आता है, चलो फिर भी देख। तो गाइस इस तरीके से आप जो इमेज टेक्स्ट वगैरह जो है सब कुछ चेंज कर सकते हो। और अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो चेंज किए हैं वो सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इसके लिए सबसे पहले पूरा का पूरा इसे कॉपी करेंगे, थोड़े से जो लॉन्ग फ्रेज करके इसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके हम जो इसे कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हमें जो वेब ब्राउज़र में चलना होगा, यहाँ पर जो है हम अपने ब्लॉगर पे आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको सही से दिखा सकूं। यहाँ पर मैं अपने ब्लॉगर पे आ चुका हूँ और यहाँ पर रिवर्स टू क्लासिक थीम पे हमें आना है। देख लीजिए रिवर्स टू क्लासिक थीम पे हम आ गए हैं, और यहाँ से हमें जो कोडिंग वगैरह है, पहले वाले कोडिंग को यहाँ से डिलीट करेंगे, ये वाले पहले वाले कोडिंग है इसको ऑल सेलेक्ट करके पूरा का पूरा डिलीट कर देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देख लीजिए, ये मैंने पूरा का पूरा सेलेक्ट ऑल किया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो इसे सेव कर देंगे, यहाँ से देख लीजिए हम सेव कर देते हैं, और ये सेव थीम पे क्लिक करके सेव, ये अभी हमारा सेव भी हो जाएगा। सो यहाँ पर जो आप देख सकते हो सेव हो चुका है। तो अब ऊपर आपको आना है और यहाँ पर व्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाएगा। सो यहाँ पर हमें जो नाम डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर अपना नाम डाले, इसको आप भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी और लिख सकते हो आप यहाँ पर, मैंने आपको बताया, आप समझ गए होंगे। ऊपर आप देख सकते हो कि ऊपर यहाँ पर सुभाष शर्मा लिखा हुआ हमने एडिट किया था ना, और उसके बाद टाइमिंग ये 14 डेज एगो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 30 सितंबर लिख दिया था, तो यहाँ पर 14 डेज एगो दिखा रहे हैं, और यहाँ पर मिनट वगैरह सब कुछ काउंटडाउन चलता रहता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी की शुभकामना, इसको हमने जो डिलीट जो चेंज नहीं किया था। और उसके बाद ये जो लाइन है, एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करके
सब्सक्राइब किए लेना। सो यहाँ पर हमने ये चेंज किया था, वो यहाँ पर शो रहा है। उसके बाद मैंने शायरी वगैरह यहाँ पर जो चेंज नहीं की थी, उसके बाद जो इतना ही जो चेंज किया था आप देख सकते हो गाइज। इस तरीके से आप जो अपना चेंज कर सकते हो किसी भी प्रकार से। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमारे चैनल के बारे में लोगों को पता चले और वो अच्छी अच्छी जानकारी ले सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।